मंजा में कहा काट देगा अगर तुम्हारा बेकार धागा हुआ तो। ओ कट जा कट जा। ओ ये गिर गई उनकी बताए। 5 minutes later. ए पैरों का अंकुश भैया काट दीजिए। नहीं अंकुश अंकुश नहीं पे अंकुश ये क्या कर रहे हैं? क्या से क्या हो गया? पतंगबाज की कैसे कट गई यार? मेरी ऐसे नहीं कट सकती है, ये मंजा लगाया पक्का। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। आज इस साल का हम लोगों का पहला ब्लॉग है। अभी हम लोग जा रहे हैं पतंग खरीदने के लिए क्योंकि आज है मकर संक्रांति। आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के टाइम हम लोग पतंग उड़ाते हैं। हम लोग जा रहे हैं पतंग खरीदने के लिए। गाइस फाइनली पतंग की दुकान पे आ गए और अब जाने वाले हैं पतंग खरीदने वाले हैं। पतंग ले रहे हैं? पाँच। कितनी हो गई है? 5 पतंग हो गए। 30 रुपए की है, ये 80 रुपए की है। छोटी लो यार, इतनी ऊपर नहीं उड़ा पाएंगे। वो तो ये भी है, ये भी दोनों मजबूत है, कुछ नहीं है। चलिए ये वाली दे दीजिए। तो ये वाली हम लोगों ने ली है सद्दी। सारी चीजें हमने बाय कर ली हैं और हम लोग अब बस निकलने वाले हैं। गाइस तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, अंकुश भैया और आयुष भैया और मैं, और अब हम लोग जा रहे हैं छत पे और ढेर सारी पतंग उड़ाएंगे। ये सारी हम लोग पतंग है और ये मेरी ग्रीन वाली है। चलो मुझे तो उड़ाने आते हैं, छत पे पतंग उड़ाते हैं। तो चलो दोस्तों चलो जल्दी छत पे। तुमने तो कहा और रखो और छत पे चलते चलते दिखाओ। गाइस हम लोग छत पे जा रहे हैं, देखिए आपको क्या पता है मेरा डांस कितना एनर्जेटिक होता है और मुझे सब कह रहे हैं कि मैं सुस्ती सुस्ती से चल रही हूँ। फ्रेंड्स आज हम उड़ाने वाले हैं पतंग। मैं काफी ज्यादा रेडी हो चुका हूँ, टोनी कक्कर टाइप का थोड़ा सा बन के मैं आज, देख सकते हैं मेरा लुक आज मैं अच्छा लग रहा हूँ आज मैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कन्ना नहीं बांधूंगा, ये थोड़ा सा छोटा काम लग रहा है मुझे। आज अंकुश बांधेगा कन्ना, देख सकते हैं पिछली बार भूरा ढोलक की तरह ब्लॉक बन रहा है। जब मैं टोनी कक्कर बन रहा था तो ये नेहा कक्कर बन गया, जिसकी वजह से इसने चश्मा लगा लिया है और ये क्या कहते हैं आप वो शहनाज गिल लग रही हैं। क्या है कि मेरी जो ग्रीन पतंग है आप देख सकते हैं एकदम यो यो टाइप, देख रहे ये टोनी कक्कर एकदम मैच खा रहा है। देखिए देखिए मैच खा रहा है कि नहीं, मेरा चेहरा मैच खा रहा है, टोनी कक्कर की टोन मैच खा रही है, आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि मैं कैसे आज पतंग उड़ाऊंगा। मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि मैं कैसे पतंग उड़ाता हूँ। पतंग ज्यादा खरीदने का ये रीजन है कि अगर कोई भी करके काट कूट जाता है तो फिर हम पतंग यार कुछ भी ऐसा नहीं होगा तो हम फिर कैसे फिर उड़ाएंगे फिर पतंग। कन्ना बांधने का नियम आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछले ब्लॉग में, मेरा पिछले साल आया था, लेकिन अब मैं फिर दिखा देता हूँ। महंगी महंगी पतंग है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कन्नी बांधेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, दो दो पतंग उड़ रही है, लगता है कंपटीशन होने वाला है। खैर मुझे तो आती नहीं है पतंग उड़ाने, मैं तो रील बना लूंगी। पतंग एकदम दूर उड़ी रहेगी और मैं ऐसे से पकड़ लूंगी, ऐसा लगेगा जैसे मैं नहीं पतंग उड़ाई हो। ऐसा लग रहा है बोलू कोई एल्बम शूट करने आया हो, ऐसे चश्मा वश्मा लगा करके। पिछली बार तुमने इतनी अच्छी पतंग उड़ाई थी, इस बार क्या हो गया? क्या हो रहा है मेरे को यार? किन लोगों को देखो कैसे उड़ाए पड़े हमारे, बस ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। अरे ऊंची उड़ाओ ऊंची। खुशी नहीं दिखाऊंगी, जाओ दिखा दो। नहीं दिखाऊंगी। अंकुश भैया काट दीजिए। नहीं अंकुश अंकुश नहीं पे अंकुश, ये क्या कर रहे हैं? नीचे जा रही है भाई, खुशी नीचे जा रही। खुशी तुम हटोगी, खुशी पैर हटाओ। मेरी पतंग भैया काट दीजिए। अबे मेरी ग्रीन फेवरेट है यार, टोनी कक्कर की पतंग। अच्छा ऐसी बात है, ये देखे, ये देखे। अरे ले जाइए पतंग को और मैं धागा पकड़ी तो इसका उड़ कैसे रहा है? ये बहुत गलत बात है यार। अच्छा ले जाओ, ख्याल रखोगे तुम भी, इसके बदले मुझे मोमोज खिला देना। अरे वो देखो भैया वहाँ तक पतंग लेके जाइए, उस पतंग तक जाओ तो पर मेरा पता हाथ कट गया। ये देखो इसको काटना पड़ेगा पतंग को। हाथ कट गया, यहाँ लेके चला गया तो बहुत ही महान काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों का हर एक व्लॉग में चैलेंज होता है,
कोई ना कोई जीतता है, जैसे मैं कभी जीतता हूँ, कभी अंकुश जीतता है, कभी खुशी जीतती है, वैसे अंकुश नहीं जीतता है, ठीक है। तो आज का जो व्लॉग है वो काइट फ्लाइंग है, तो इसमें अंकुश और मैं इसमें पार्ट लेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। गाइज टोनी कक्कर के लिए आप एक लाइक और एक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिए। पन्नी भी आई है, एक पन्नी भी आई है, लड़ने ही आ रही है ये पतंग भी, जिसकी भी है। आजा आजा, और रिकॉर्ड हो रहा है, लड़ने आ रही है ये पतंग, काट देगी, देखते किसकी कटती है। ओ कट जा कट जा, आयुष तोड़ दिया। ओ ये गिर गई उनकी पतंग। भाई बोलो कितनी बार पंजा कर दिए थे, पीछे पड़ा है तुम, लूट लो पतंग, लुटेरो पतंग लूटो, लुटी पंजा काटा है। भोलू ने ना वो वाला मंजा खरीदा जो टूटता नहीं है। अब छोटे बच्चे कंपटीशन करेंगे तो हारेंगे ही ना। किसकी कटती है यार, यार अगर पतंग गिरी ना तो कोई लूट लेगा यार, मत काटो लो, अपने में ही लड़े पड़े हो। कैसी यार इधर नीचे आ गई है, पतंग यही तो काट दो। फोन पकड़ो, फोन जाएगा। ओ माय गॉड मेरी जान यार, उनके छत पे, उनके छत पे फंस गई है। क्या पतंग ले जा, तो भाई कन्ना तुम्हारा कटेगा, फंसा हुआ है, कटे कट नहीं रहा ये। लो तुम लोग कोई नहीं जीता ना हारा, मतलब अपने घर की पतंग कैसे कट सकती है यार। किसकी पतंग कटती है, कि ब्लू वाली मैं हूँ और ग्रीन वाली भैया। ओ भैया कट गया, क्या से क्या हो गया, पतंग बांस की कैसे कट गई यार, हो जाती है। अंकुश चीटिंग की हो ना बे, चीटिंग की हो ना अंकुश, क्या मंजा लगाया था ना बे, पता नहीं कुछ तो कर रहे थे। मैं चेक करता हूँ ये मंजा लगाया कि नहीं, मेरी ऐसे नहीं कर सकती है, ये मंजा लगाया पक्का। मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी यार तुम्हारी, अपने मोबाइल से बना। अरे ये वीडियो बना, कट गई पतंग, कटी है वो देखो। कहाँ कहाँ, अब मांग नहीं रहेगा। दो पतंग आ गई आपको, लग रहा है भैया आपको जीत के। आई एम फीलिंग प्राउड यू नो गाइस, पहली बार कुछ चैलेंज जीता है नहीं तो, और वो भी अंदर चीटिंग करके साला मंझा लगा करके काटा है। मंझा लगा के उड़ा रहा था, बताओ मंझा लगा के चीटर है सब। तुम्हें कमेंट में चीटर पतंग कहाँ गई, जिसकी कटी थी उसकी कहाँ गई, ये अंकुश द्वारा काटी हुई पतंग है। फ्रेंड्स आज बहुत हम लोग थक गए हैं पतंग उड़ा उड़ा के, आज का विनर अंकुश रहा है इस ब्लॉग का, और अब हम लोग नेक्स्ट मकर संक्रांति में मिलते हैं ये पतंग वाले ब्लॉग के साथ। ये सारी पतंग अब क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो के मतलब बाद दिखाऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं दिखाऊंगा इस पतंग का क्या होगा। और अंकुश तुम भी आ जाओ, क्या मोबाइल चला रहे हो यार 24 घंटे। तो गाइस मजा आ गया आज, मैं विनर था, मैं क्या मस्त मस्त ऐसे सब पतंग काटा हूँ ना कि लोगों के से और मेरी वो टोनी कक्कर वाली पतंग भी उड़ गई, बहुत फेवरेट थी मेरी ग्रीन कलर की, बट कोई चश्मा लगा के पतंग काटने का तो मजा ही कुछ और है, कलर स्वैग स्वैग के साथ पतंग उड़ा रहा था चश्मा लगा करके एकदम। अब क्या है कि अब हम लोग नेक्स्ट मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाएंगे, पतंग 80,000 कैसे तेरा घर चला जाएगा, मेरा घर चला जाएगा। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अभी हम लोग माघ मेला का ब्लॉग शूट करेंगे, माघ मेले के मेले का ब्लॉग शूट करेंगे और झूला तो जरूर झूलेंगे एकदम। झूला मिलते हैं माघ मेला के ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।